गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम भरत माखीजा, ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ भरत माखीजास कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। जैसे आप सभी को पता है कि हम लास्ट 6 साल से कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का कोर्स लेते हैं। इसमें प्लेसमेंट से रिलेटेड कंप्लीट प्रिपरेशन होता है। मीन्स हम यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक किया हुआ है कि कोर्स कंटेंट क्या क्या है, जैसे क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी, सॉफ्ट स्किल, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, मॉक इंटरव्यूज़। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। जैसे आपको पता है कि अभी एप्टीट्यूड मींस क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, DI, वर्बल एबिलिटी, इन सब के अलावा जैसे ये सब टॉपिक्स जो है ये तो कॉमन है। मींस हमारे ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे हमारा गेट हो गया, गेट के एग्ज़ाम में, MBA एंट्रेंसेस में, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, फिर वो रेलवेज़ की हो, बैंकिंग की हो, या फिर UPSC का CSET हो, ये सिलेबस जो है ये कॉमन सिलेबस है। इट मींस हमारा ये जो CRT का कोर्स है ये एक प्रकार से जनरलाइज्ड है। मींस आपको फाइनल ईयर के बाद कहीं भी जाना है तो आप इस कोर्स को क्या कर सकते हो, क्योंकि इसका एप्लीकेशन हर जगह पे है। पर अभी जो कंपनीज आ रही है उसमें मेनली जो प्रपोर्शन बढ़ा दिया गया है वो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का। इट मींस कि आजकल एप्टीट्यूड में ही प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इंक्लूड किया हुआ है, जिसके लिए आपको क्या आना चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए कोई ना कोई एक, C++, जावा, पाइथन, इनमें से कोई एक, और उसके पूरे के पूरे कंसेप्ट्स, मींस डाटा स्ट्रक्चर के पूरे कंसेप्ट्स आपको उसमें इंप्लीमेंट करते आना चाहिए, अल्गोरिथमिक्स के उसमें पूरे कंसेप्ट्स इंप्लीमेंट करते आना चाहिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको IT कंपनीज या फिर नॉन IT कंपनीज के लिए प्रोग्रामिंग आपको सीखनी पड़ेंगी। अभी जो प्रपोर्शन है इसका वो बढ़ा दिया गया है, पहले इतना प्रोग्रामिंग पूछा नहीं जाता था। तो हमारा जो ये CRT का कोर्स है इसमें हम क्या करते हैं, कोर्स कंटेंट में प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी सिखाए जाते हैं, जिसकी क्लासेस मैं खुद लेता हूँ। ठीक है, इसमें से मेनली वर्बल एबिलिटी के लिए हमारे पास फैकल्टी है, बाकी सभी मॉड्यूल्स मैं लेता हूँ। और एट लास्ट क्या होता है, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे कि भी आप अप टू द मार्क प्रिपेयर्ड हो कि नहीं हो। और वैसे ये हमारा जो कोर्स है इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है शॉर्टकट अप्रोच। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, क्वांटिटेटिव हो गया, लॉजिकल हो गया, ये हमें कैसे पढ़ना है, शॉर्टकट से, ये पूरा का पूरा आपको शॉर्टकट से सिखाया जाएगा। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत सारी कंपनीज में नेगेटिव मार्किंग का रूल इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि भाई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग आ जाएंगी। इट मीन्स कि आपको वो क्वेश्चन एकदम परफेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है, और बहुत कम टाइम होता है, जैसे कि 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इट मीन्स कि आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम कम है, तो हम रेगुलर अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, शॉर्टकट अप्रोच। और ये शॉर्टकट अप्रोच का मीनिंग ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर थीम के लिए फॉर्मूला बनाते जाएंगे, ठीक है, एक जनरलाइज वे देखेंगे, कोई भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। एट लास्ट मैं पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव आपको 2 टेक्निक्स में समराइज करके दूंगा, और कोई फॉर्मूला, एक सिंगल फॉर्मूला भी लर्न नहीं करना है। और हमारे वैसे भी कुछ फ्री लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है हमारे ऐप पे, आप हमारा ऐप डाउनलोड करके उनको भी देख सकते हो, जिसमें कम्प्लीटली शॉर्टकट अप्रोच क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। 100% प्लेसमेंट का अभी तक का हमारा रिकॉर्ड है, लास्ट 6 साल से 1300+ स्टूडेंट्स हमारे क्या आ चुके हैं, प्लेस हो चुके हैं। बुक ऑफ CRT कंप्लीट बुक, हमने जो बुक लिखी हुई है मैंने वो हम बुक प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये सभी मॉड्यूल्स है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसमें, मींस प्रीवियस ईयर पेपर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज ने कौन से क्वेश्चंस लिए थे, टेक्निकल इंक्लूड किया हुआ है हमने, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्निकल, यानी हमारी जो बुक है ये CRT की, इसमें हर एक ब्रांच का टेक्निकल इंक्लूडेड है। इट मींस कि आप सिविल ब्रांच के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, या फिर CSIT के, सभी ब्रांचेस का टेक्निकल उस बुक में इंक्लूड किया हुआ है हमने, अकॉर्डिंग टू 200+ कंपनीज की क्या पूछा जाता है, वो सभी क्वेश्चंस हमने इस बुक में प्रोवाइड किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किए हुए हैं सभी। ये सॉफ्ट स्किल की पूरी डिटेल्स है, ये सभी डिटेल्स आपको प्रिंटेड बुक भी ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद प्रोवाइड की जाएंगी। 30% ऑफ इन कोडिंग कोर्सेस, जैसे कि कोडिंग कोर्सेज के लिए हमने कोड अकेडमी के साथ US बेस्ड कंपनी है, जैसे कि यूडेमी और कोर्सेरा है, तो वैसे हमारा कोड अकेडमी के साथ टाइप है। अगर कोई स्टूडेंट CRT ज्वाइन करता है तो उनको 30% ऑफ मिलता है कोडिंग कोर्सेज में भी, ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट सपोर्ट टिल योर प्लेसमेंट्स, आपके जब तक प्लेसमेंट नहीं होते हमारा इंस्टीट्यूट आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। पहले आप अपने कॉलेज से ऑफ दीजिए ऑन कैंपस, उसके बाद हम ऑफ कैंपस ड्राइव्स की आपको डिटेल देते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स इन माखीजा सर स्टाइल, मीन्स प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो भी आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे। ऑफ कैंपस ड्राइव्स इन्फॉर्मेशन ये भी प्रोवाइड किया जाएगा, ये तो मैंने बताया। टेक्निकल इंक्लूडेड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कोर्स में क्या है, ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इंक्लूडेड है। तो आप कोई भी ब्रांच के हो, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, जैसे आपको पता है कि आजकल कंपनीज ने क्या किया हुआ है, बहुत सारा टेक्निकल पूछना शुरू कर दिया है, जैसे कि सूडो कोड हो गया, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर आईटी के, मीन्स डाटा स्ट्रक्चर बेस्ड या फिर लैंग्वेज बेस्ड, वो पूरे बेसिक्स पूछे जाते हैं, तो हम टेक्निकल भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और इस सेम में अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये हमारा जो टेक्निकल है ये सीआरटी के कोर्स में सेम फीस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट सेम में अगर आप ज्वाइन करते हो तो टेक्निकल के लिए अलग से फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसकी और डिटेल्स आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ये हमारे इंस्टीट्यूट का ही नंबर है। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारा जो ऐप है, अगर आपको ये फ्री लेक्चर्स या फिर शॉर्टकट अप्रोच आपको समझना है तो ये हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, BMCC भरत माखीजा कोचिंग क्लासेस, ये अभी के अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी डाउनलोड होगा, तो उसमें हमने बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी किए हुए हैं आपके लिए अप्रूव, जो अनलॉक है, ठीक है, उनको आप देखिए। और ये जो बैच चालू हो रही है अभी, मेनली ये जो बैच है इसके स्टार्टिंग के जो 50 स्टूडेंट्स हैं, स्टार्टिंग 50 एडमिशन्स के लिए हमने 20% ऑफ का प्रोविजन किया हुआ है। अगर आप ऐप पे ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो आपको BMCC फर्स्ट 20 ये कूपन कोड यूज़ करके आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और यही सेम ऑफर मैनुअल बैचेस के लिए भी अप्लीकेबल है, जैसे आपको पता है कि अभी COVID-19 का थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, वैक्सीनेशन भी हो चुका है बहुत सारे बच्चों का, तो अभी हमने मैनुअल बैचेस भी शुरू कर दी है। करंटली हमारी 2 मैनुअल बैचेस शुरू है सीआरटी के, हमारे राठी नगर के सेंटर पे, राठी नगर अमरावती, और अभी न्यू बैच शुरू हो रही है। तो जल्दी से आप क्या कर सकते हो, या तो इस ऐप पे या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्टर्ड या एनरोल कर सकते हो, या फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये सीआरटी कोर्स कौन से सेमेस्टर में करना चाहिए, या फिर 5वें सेमेस्टर वालों को लिए उनका पूछना होता है कि सर इसको 5th सेम में करना कि नहीं करना, तो हम रिकमेंड करते हैं कि ये सीआरटी का कोर्स किसी ने करना चाहिए तो वो परफेक्ट टाइमिंग 5th सेमेस्टर है, क्योंकि आजकल प्लेसमेंट के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, मीन्स क्वांटिटेटिव लॉजिकल DI के साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग भी पूरा आना चाहिए, यानी आपको पूरी की पूरी एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, फिर वो सी लैंग्वेज हो या C++ या जावा, सी तो पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि सी के प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आते हैं, सूडो कोड यानी छोटे छोटे प्रोग्राम्स के आउटपुट, ठीक है, ये सब पढ़ाया जाता है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में, मैं खुद पढ़ाता हूँ ये सब, ठीक है। तो टेक्निकल आपको यानी कि एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें सूडो कोड या छोटे छोटे आउटपुट के प्रोग्राम आपको सॉल्व करते आने चाहिए, या बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मीन्स C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, या फिर इन सभी लैंग्वेज का एडवांस भी आना चाहिए, यानी कोर जावा के साथ साथ एडवांस जावा आना चाहिए, पाइथन के साथ एडवांस पाइथन आना चाहिए, तो जाके प्लेसमेंट होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टेक्निकल पूछा जाता है एप्टीट्यूड की, रिटन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, MCQs बेस्ड में भी, और जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी प्रोग्रामिंग पूछी जाती है। तो ये सब करने के लिए हमारे पास 6वें सेम में इतना टाइम नहीं रहता है, हमें ये प्रिपेयर करना पड़ता है 5वें सेम से। और अभी इस बार तो हमने एक 5th सेमेस्टर की बैच का एक अलग से भी ग्रुप बनाया हुआ है, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे इंटरव्यू देते हैं उनके क्वेश्चंस हम उनके ग्रुप पे पोस्ट कर देते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके सीनियर्स को पूछे गए हैं, सीधा सीधा ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, जो भी डिफिकल्टीज आती है वो मैं खुद सॉल्व करके देता हूँ। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन सीआरटी का समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए।